हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी एक्सेल ज्ञान। मैं हूं विकास। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉपिक के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि यदि दो डेटा रखे हुए हैं तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो हाईलाइट हो जाए हमारे एक सर्च के बेस पे, तो वो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कुछ ईजी स्टेप के द्वारा जानेंगे। तो वो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पर मैं ये दिखा देता हूँ ओवरव्यू। यहाँ पर मान लीजिए मैं लिखता हूँ कूलर, तो यहाँ पर बता देता है कि इस वाले डेटा में कूलर कहाँ पर है और इस वाले में कूलर कहाँ पर है। तो अभी ये दो तरह की फॉर्मेटिंग है, जिसमें मैं आज बात करूँगा मैचिंग सेल के बेस पर। यहाँ पर सिर्फ सेल को हाईलाइट कर रहा है और ये वाला सेकंड जो टेबल बना हुआ है ये पूरी रो को हाईलाइट कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो सेल को हाईलाइट करने के लिए, तो कैसे होगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस शीट हमने इसी डेटा के बेस पर बना रखी हुई है, तो हमें करना क्या है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें डेटा सेलेक्ट करना है। डेटा के हेडर में लिखा हुआ डेट, आइटम और क्वांटिटी। डेटा आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है। एक्चुअली हमें देखना क्या है कि हमें मैच करानी है सेल जिस बेस पे हमें सर्च करना है, तो ये सर्च किया हुआ ऑप्शन ये डेटा पे कहाँ पर है वो देखेंगे। तो इसी तरह हम डुप्लीकेट वैल्यू कर सकते हैं, या हो सकता है एक ही प्रकार के आइटम्स की दो टेबल हों और आपको देखना हो कि ये पर्टिकुलर वर्ड या फिर ये आइटम या फिर पर्सन या फिर आइटम की डिटेल दूसरी में भी है या नहीं, ये चेक करने के लिए होता है। तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे वहाँ से जहाँ से डेटा शुरू हुआ है, हम हेडर इसका सेलेक्ट नहीं करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू के हम यहाँ पर स्टाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे, जो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आएंगे जहाँ पर न्यू रूल लिखा हुआ है। न्यू रूल लिखा जहाँ पर है इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे नीचे जो दिख रहा है ये है यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू बी फॉर्मेट। ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे फॉर्मेट वैल्यू वेयर द फार्मूला इज ट्रू करना है। तो हमें पहले इक्वल टू लगाना है। फार्मूला कोई भी लिखते हैं तो प्लस या इक्वल टू लगाते हैं तो इक्वल टू लगाएंगे। अब यहाँ हम चलेंगे, यहाँ पर जिस सेल पर से हमारा डेटा चालू हुआ है यानी बी कॉलम के फोर्थ नंबर सेल से हमारा डेटा चालू हुआ है, तो बी फोर हम लिखेंगे। उसके बाद इक्वल टू लिखेंगे, आप इसे चाहे कैपिटल में लिखे चाहे स्मॉल में लिखिए, कोई इशू नहीं है। बी फोर के बाद हम फिर इक्वल टू लगाएंगे और हम जिस पर्टिकुलर आइटम सब्जेक्ट या नेम से हम सर्च करना चाहते हैं उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। तो ये अभी क्या है, एफ फोर में है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें ये प्रीव्यू वाला जो सेट है यहाँ फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। फॉर्मेट में जैसे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स आपको इस तरह दिखेगा, तो इसमें चार ऑप्शन रहेंगे। तो लास्ट वाले ऑप्शन फिल पे जाना है और यहाँ पर जो भी कलर आपको चूज करना है यहाँ से कर लेना है। जो कलर चूज करेंगे आप यहाँ पर तो वही यहाँ पर हाईलाइट होगा। अब उसके बाद ओके करेंगे तो जैसे ही उस सब्जेक्ट की वैल्यू को देखेगा ये तो यहाँ पर हाईलाइट कर देगा। देखिए कूलर यहाँ पर लिखा था तो कूलर इसने यहाँ पर पाया और यहाँ हाईलाइट कर दिया। मान लीजिए आप टीवी लिखते हैं तो जहाँ जहाँ पर भी होगा टीवी उस सेल को इसने हाईलाइट कर दिया है। तो ये था हाईलाइट करना, सर्च करके हाईलाइट करना उस सेल पर जहाँ पर हम जो चीज़ सर्च करें वो है या नहीं। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा। तो ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, तो आप वहाँ पर डाउनलोड करके इसे प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं यदि आपको डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह ऑसम वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी अपने फ्रेंड्स को करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।